आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न आप लोगों द्वारा अक्सर ये पूछा जाता है कि साहब अगर कोई महिला जो है हमारे अगेंस्ट 376 जैसे यानी कि नए सेक्शंस के हिसाब से, चाहे सेक्शन 69 की बात कर लें या नए कानूनों के अनुसार रेप के मुकदमे लिखाने की धमकी दे रही, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या विकल्प हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसी पर आज का वीडियो है। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं फॉलो किया तो वहां फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में हो तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके साथ 376 यानी कि रेप के एलिगेशन लगाए जा सकते हैं। नए कानूनों के अनुसार सेक्शन 69 शादी का झांसा देते हुए बलात्कार के एलिगेशन लगाए जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपना पार्टनर चूज करते समय आपको बहुत वॉइस रहना पड़ेगा, चूज योर पार्टनर वॉइसली, ठीक है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। अब ऐसी कंडीशन आती है कि आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लंबे समय से रिलेशनशिप में रह रहे थे, दोनों लोगों के बीच में सहमति से सेक्सुअल रिलेशनशिप हो रहे थे, सब कुछ कंसेंट से था, कॉलेज में पढ़ने आए थे, लिव इन में रहने लगे और वहां पर बातचीत हुई और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसी कंडीशन में आप दोनों लोग भी अलग हो गए, लेकिन एक टाइम पीरियड बाद लड़के की नौकरी लग गई या सिलेक्शन हो गया या कोई बात उसके साथ हो गई, फाइनेंशियली अपग्रेडेशन उसका हो गया, तो उस कंडीशन में उसको समस्या आ जाएगी। समस्या यह आ जाएगी कि उसके जिस लड़की के साथ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप किया, जिसके साथ वो लिव इन में रहा, जाहिर सी बात है फोटोग्राफ्स उनके पास होंगे, आपके पास भी फोटोग्राफ्स होंगे, डिलीट भी कर दिए होंगे, मान लीजिए इस महिला ने भी डिलीट कर दिए, आपने भी डिलीट कर दिए, लेकिन फिर भी अगर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप के एलिगेशन आपके विरुद्ध लगाएगी, आप कभी मिले भी नहीं होगे, लेकिन वो फिर भी अगर एलिगेशन लगा देगी तो उसकी सुनवाई होगी, क्योंकि कानून यही कहता है कि महिला सतीश सावित्री है और पुरुष जो है हिरण्यकश्यप है, वो जाहिर सी बात है सत्यवान पुरुष नहीं हो सकता, वही गलत हो सकता है। महिला कभी गलत नहीं हो सकती, पुरुष कभी सही नहीं हो सकता, इसी तरीके का हमारा कानून है, 376 रेप का कानून है, चाहे सेक्शन 69 BNS आ गया शादी का झांसा देते हुए बलात्कार की बात कही गई है, उसमें महिला को सही माना जाता है। अब बचाव क्या है? बचाव यही है कि अगर महिला आपको देखिए धमकी दे रही, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने यहाँ के कंसर्न्ड SHO को और कमिश्नर को बाय पोस्ट रिटन एप्लीकेशन देनी चाहिए। अगर आप उस मैटर में कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप अपने यहाँ के SHO को एक लिखित प्रत्यावेदन, लिखित एप्लीकेशन बना के दीजिए कि इस नाम की महिला है, इसके द्वारा मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं या धमकाया जा रहा है कि मैं तुम्हें झूठे 376 जैसे या रेप जैसे मैटर्स में तुम्हें फंसा दूंगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी चौपट कर दूंगी, तुम मुझे इतना पैसा दे दो, क्योंकि ये जर्नली जाहिर सी बात है इस मैटर में पैसा मांगा जाता है और महिलाएं पैसा मांगती हैं, और FIR अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो उस स्थिति में FIR लॉन्च करा दी जाती है। अब आपके पास अगर इस चीज़ के एविडेंस आ गए हैं कि महिला द्वारा पैसा मांगा गया है, चाहे वो चैट पे आ गया हो, चाहे ऑडियो वीडियो में आ गया हो, उस एविडेंस को अपने पास रखे रहिए, उन एविडेंसेस को फर्दर आपके काम आएंगे। उस कंडीशन में आप उस एप्लीकेशन को भेज दीजिए SHO को, SHO साहब जाहिर सी बात है उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे, आप फिर वही एप्लीकेशन उठा के SP साहब को भी उनके भेज दीजिएगा कि इस महिला के द्वारा आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही कि रेप जैसे मुकदमों में फंसा देंगे, इतना पैसा दे दो। अब देखिए एक प्रिकॉशन ये भी रखनी है कि आपको अगर कार्रवाई नहीं चाहते हैं तो लड़की का एड्रेस उसमें मत लिखिए, मोबाइल नंबर मत लिखिए, स्पष्ट केवल नाम लिख दीजिए। अगर आप कार्रवाई चाहते हैं, फर्दर कार्रवाई चाहते हैं कि लड़की के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो, मुकदमा पंजीकृत हो, तो उसमें एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों लिखिए। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर आप एप्लीकेशन में एड्रेस मोबाइल नंबर लिख देते हैं तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अपोजिट पार्टी को समन कर लेंगे, बुला लेंगे। अब FIR लड़की को अगर मान लीजिए एक महीने बाद लिखानी है तो FIR आज लिखा देगी, वो कहेगी कि हमारे खिलाफ तुमने शिकायती पत्र भेजा, आप तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जानबूझ के FIR लिखा देगी और पुलिस आपको वहीं थाने पर बुलाएगी, बुलाकर आपको भेज देगी जेल, गिरफ्तार करेगी जेल भेज देगी। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, कुछ लोग कहेंगे FIR नहीं हुई जेल कैसे भेज देगी, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है पुलिस आपको पहले थाने बुलाती है और उसके बाद वहाँ FIR रजिस्टर होती है, उसके बाद वहीं से आपका चालान होकर जेल भेज दिए जाते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके आपको जेल भेज दिया जाता है, तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। अब चाहते हो कि अगर इसमें अपोजिट पार्टी को पता ना चले तो भाई मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस मत लिखो, केवल नाम लिख के सूचनार्थ करके उसको भेज दो कमिश्नर साहब को, और SP साहब वो आपके SP बैठते हो या कमिश्नर बैठते हो या SHO, इन सबको भेज दीजिए। अब दूसरी चीज़ की है कि अगर आप मान लीजिए लड़ना ही चाहते हैं, FIR चाहते ही चाहते हैं लड़की के विरुद्ध, तो भाई फिर उसके बाद एक फर्दर आपके पास जो है कोर्ट के थ्रू FIR लिखाने का प्रोविज़न है, उस कोर्ट के थ्रू FIR लिखाइए लड़की के खिलाफ, क्योंकि पुलिस वाले FIR लिखने में बहुत अवॉइड करते हैं, अगर आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट से
संभावना है कि लड़की के विरुद्ध FIR लिखी जा सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये भी तैयार रहिएगा कि जैसे ही आप लड़की खिलाफ FIR लिखाएंगे, लड़की आपके खिलाफ 376 में पुराने कानूनों के अनुसार, नए कानूनों के अनुसार अगर शादी का झांसा की बात करेंगे तो सेक्शन 69 BNS में आपके विरुद्ध FIR लेके चली जाएगी। जो एप्लीकेशन आप लिखे होंगे पहले SP और कमिश्नर साहब को, वो एप्लीकेशन देखने में तो बहुत छोटी है लेकिन वो रामबाण है, क्योंकि आप कोर्ट में प्ली लोगे कि हमको धमका रही थी, पैसे मांग रही थी, वसूली करना चाह रही थी, या हमने इनको पैसे भेज रखे थे, वो सारे एविडेंसेस आपके पास होंगे ही होंगे। तब कोर्ट पूछती है कि भैया तुमने कोई शिकायती पत्र दिया था, तुमने किसी की शिकायत की थी, किसी के पास शिकायत की थी, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि ये तुम्हें धमका रही थी, पैसे मांग रही थी, फर्जी मुकदमों में फंसा देने की बात करी थी। तो उस कंडीशन में जो आपने कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन भेज रखी और दूसरी जो SP साहब को एप्लीकेशन भेज रखी, वो रामबाण का काम करेगी, वो मदद करेगी आपकी कि आपने अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को शिकायती पत्र भेजा है लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। उस कंडीशन में हो सकता है कोर्ट आपको बेल दे दे, क्वेशिंग में आपको हेल्प मिल जाए, चार्जशीट क्वेश्चन में हेल्प मिल जाए कि आपने पहले शिकायती पत्र भेजा, उसके बाद काउंटर ब्लास्ट में इन्होंने आपके विरुद्ध FIR रजिस्टर करा दी है। चीज़ बहुत छोटी सी लेकिन काम बहुत आने वाली है, इसलिए अपने मैटर में जब भी कोई आपको धमकी दे रहा हो रेप जैसे मैटर्स में फंसा देने के लिए, तो इस मैटर को आप बेहद सीरियसली लीजिए। इसको अगर आप लाइटली लेंगे तो ज़िंदगी पर लाइट लग जाएगी और आप बर्न हो जाएंगे। उम्मीद है इस जानकारी से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को डेफिनेटली शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अगर आपने मुझे नहीं फॉलो किया तो वहाँ फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।